उन लोग के रडार पे आ रहा है। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग, मार्केट्स में बाद में आता हूं, पहले आप लोग का इस समय का प्रिफर्ड पिक सर। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग नीरज जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो ये हफ्ते मैं ट्रेडर्स में टीम से कॉल दे रहा हूँ, विच इज अ पोजिशनल ट्रेड फॉर दिस वीक और द नेक्स्ट 8 to 10 days। हमें लगता है कैमलिन फाइन साइंसेज इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 2-3 बजे टेक्निकली आई थिंक बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है, एंड दैट इज वाई द ट्रेडर्स में टीम इज प्रॉब्ली लाइकिंग दैट। बट जो फंडामेंटल्स है आई थिंक वो भी काफी सपोर्टिव है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ देखें, बिकॉज इट्स अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, जो ये कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्रीज बनाती है, जैसे डाइफिनॉल हुआ, आप बात कर सकते हैं हाइड्रोकिनॉन, क्विनिन फिनॉन की, और कैटिचॉल की जो वैनिलिन बनाते हैं, जिसके एंड यूजर एप्लीकेशन से केमिकल्स के बहुत डाइवर्स इंडस्ट्रीज में है, फूड्स में है, पेट फूड, एनिमल न्यूट्रिशन, जो शेल्फ लाइफ होती है काफी फूड या फूड प्रोडक्ट्स की, एडिबल ऑयल्स, फैट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स में इसमें यूज किए जाते हैं, हेल्थ केयर के लिए के काफी आई थिंक प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, एंड इवन फॉर वेलनेस एंड पेट केयर इज वेल। तो आई थिंक जो एंड प्रोडक्ट यूज है ये आई थिंक काफी डिवर्स है, एंड बिकॉज दिस केमिस्ट्री इज कॉम्प्लेक्स, काफी रेगुलेटरी अप्रूवल्स थ्रू जाता है, एंट्री बैरियर्स बहुत टफ होते हैं, इसलिए पीयर कंपैरिजंस बहुत कम मिलेंगे, और इसलिए आई थिंक इनकी जो प्रोडक्ट की बिक्री होती है फ्रॉम एंड यूजर इंडस्ट्रीज कंटिन्यूज अक्रॉस मार्केट साइकिल्स। इटली में इनका प्रेजेंस है, मेक्सिको में, यूएस में है, और थोड़े एनर्जी कॉस्ट बढ़ने के कारण दिक्कतें जरूर हो सकती है, बट द कंपनी हैज बाइटेड दैट ओवर, आई थिंक पास थ्रू किए हैं, और इसके कंसोलिडेटेड एबिट्टा मार्जिन 13% के आसपास है, 12.8% टू बी प्रिसाइज, जहाँ पे एक मेजर डिप नहीं दिखा है, पिछले तिमाही लास्ट ईयर 13.8 एंड द कंपनी इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि जैसे आई थिंक प्राइस हाइक्स ये ले रहे हैं, और जितनी आई थिंक स्टिफुलस पैकेजेस अनाउंस हो रही है टू टाइड ओवर एनर्जी कॉस्ट, दे शुड बी एबल टू मैनेज दिस क्वाइट वेल। डेट इक्विटी पॉइंट 6 times पे है, और जो टॉप लाइन ग्रोथ इन्होंने अचीव किया है पिछले 5 वर्षों में ये सराहनीय है। तो मुझे लगता है आई थिंक वर्टिकली इंटीग्रेटेड एंड यूजर एप्लीकेशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, एंट्री बैरियर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मार्जिन्स इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज नेगेटिव फैक्टर्स, ये शायद ये स्टॉक को टेक्निकली सपोर्ट करेंगी इन द क्वार्टर्स टू कम। तो हमें लगता है 155 का लक्ष्य एक रीजनेबल लक्ष्य हो सकता है विद स्टॉप लॉस एट 124। क्लियर डिस्क्लेमर, ट्रेडर्स ने अपने मेंबर्स को ये कॉल दी है, तो क्लाइंट्स के पास शायद पोजिशन ये स्टॉक में हो सकती है।